नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा यहां पर 3 सब्जेक्टों में प्राध्यापक की वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से प्रथम सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री है, सेकेंड जो रसायन कहते हैं, सेकेंड जो है कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग पर है, और थर्ड जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पर है। तो जहाँ तक रसायन सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल सीटों की संख्या 8 है। जहाँ तक मैं कंप्यूटर जो है कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उनमें टोटल सीटों की संख्या 12 है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्ट्रिकल साइंस की जो एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की जो बात करें, इसकी सीटों की संख्या 7 है। तो आप सभी छात्र को जो भी इस सब्जेक्ट में एलिजिबल हैं, आप इस वेबसाइट पर जाकर www.bpsc.bih.nic.in पर विजिट कर सभी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर विधिवत रूप से जानकारी लेकर आप वहां पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं कि शैक्षणिक योग्यता की जहां तक बात करें तो सभी में प्रत्येक सब्जेक्ट में पीएचडी होना ज़रूरी है। साथ ही साथ अनुभव भी खोजा गया है, एक्सपीरियंस भी खोजा गया है। और मैं एक बातें और बता देना चाहता हूं, जो चयन प्रक्रिया होगी सभी तीनों सब्जेक्ट में इसी प्रकार से चयन प्रक्रिया है। अकादमिक पृष्ठभूमि में 20 नंबर माना जाएगा, जिनमें से पीएचडी 5 नंबर है। बीएससी ऑनर्स की हैं तो 5% वेटेज दिया गया है, और मैक्सिमम एमएससी में आपको 10% वेटेज दिया गया है। उसी प्रकार से 60 नंबर जो है अकादमिक निष्पादन, अनुसंधान निष्पादन, कार्य क्षेत्र ज्ञान और शैक्षणिक कौशल का मूल्यांकन पर 60 नंबर वेटेज दिया गया है। साक्षात्कार जो इंटरव्यू होगी आप लोगों का वो 20 नंबर की होगी। तो इन सभी का जो विस्तृत रूप से जानकारी आप उसी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैं एक बातें और महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं आप सभी को, जो फॉर्म फिलअप की जो शुल्क लिया जा रहा है फॉर्म फिलअप करने की, तो उनमें समान अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपीज़ हैं, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 25 रुपये हैं। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी कोटि में आरक्षित अनारक्षित महिलाओं के लिए 25 रुपये हैं, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए जो है 100 रुपीज़ हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 25 रुपये निर्धारित किए गए हैं। तो आप सभी इस शुल्क देकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट जो मैं महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं कि ये है ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि क्या होगी। तो ये पंजीकरण जो तिथि स्टार्ट होगी वो 14/8/2020 से लेकर 31/8/2020 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि होगी 4/9/2020। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 11/9/2020, जो कि ये इनसे बाद जब अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके फॉर्म का मान नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है तिथि। जो भी छात्र इस सब्जेक्ट के लिए, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर दें। दोस्तों, समय बहुत कम है, बहुत कम समय दिया गया है, ऑलमोस्ट 1 मंथ से भी कम दिया गया है। तो आप फॉर्म जितनी जल्दी हो, जो भी छात्र इसके एलिजिबल हैं, फॉर्म फिलअप कर दें। दोस्तों, इसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जो भी छात्र UGC नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ पेपर 1 की हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, और BPSC से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।